हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन क्लास थ्री। यस द कंप्यूटर इज शोइंग द बुक ऑफ कंप्यूटर माय बुक। नाउ ओपन द इंडेक्स। हियर इज द इंडेक्स। चैप्टर नंबर वन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर टू फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर थ्री पेरिफेरल्स, चैप्टर नंबर फोर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ टुडे आई विल टेक द चैप्टर नंबर फाइव लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। Dear student, I will take the chapter number 5 languages of computer on page number 26. I will start the reading, then I will give the explanation to you. Languages are the way of communication between two mediums. Languages are found in every living creature, including humans and even in animals. Computer language is a language by which we can communicate with the computer. We can ask computer to perform multiple tasks through computer languages. There are two types of computer language: low level language and high level language. Languages you clearly know and understand what is language. We can talk to another people because of language. Without language, we can't talk to each other. In the same way we use computer is also like a human machine, and it can receive data and give output to the user. Because of language, without language we can not give command to computer, and computer cannot give result without language. There are two types of computer language we told before, high level language and low level language. उर्दू में हम आपको इस तरह समझा रहे हैं, आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है। कंप्यूटर एक तरह का इंसान की काम करने वाली मशीन है। जिस तरह हम लोग उर्दू अंग्रेज़ी ज़बान समझते हैं, उसी तरह कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और उनको उन लोगों ने कैटेगराइज़ किया हुआ है। अगर कोई दूसरी ज़बान उसमें फीड की जाती है तो कंप्यूटर लैंग्वेज उसको सॉल्व करके, चेंज करके, ट्रांसलेट करके हमें स्क्रीन पर शो करता है। ज़बान हर दौर में बाइसे रहमत इंसान और इंसानों और जानवरों के लिए साबित हुई है, लेकिन आगे चलकर वो ये बेजान चीज़ों को काम समझाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। उसी तरह कंप्यूटर को भी आपने समझना है। कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़बान का बड़ा अमल दखल है, लेकिन जिस तरह हर मुल्क, हर जगह और चीज़ों की अलग अलग ज़बान होती है, उसी तरह कंप्यूटर भी मुख्तलिफ ज़बानों में काम करने की सलाहियत रखता है। तो अब हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे चुके, और इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। यस डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, low level language and high level language. We will continue the explanation. Here is low level language is computer understands low level language as it consists of binary numbers which are 0 and 1. It is also known as binary or assembly language. Computer sirf binary numbers को अंडरस्टैंड करता है, जो इनके बाइनरी नंबर हैं वो 0 एंड 1। जब हम कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर को फीड करते हैं तो वो बाइनरी नंबर्स में हमें
आउटपुट देता है या ऑन स्क्रीन पे हमें इंफॉर्मेशन देता है या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो हम उसको इसके ज़रिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट लैंग्वेजेस, हियर इज नेक्स्ट लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वॉट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज इज अंडरस्टैंडेबल बाई अस। ये हम लोगों से समझी जा सकती है आसानी से। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, देयर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन टू लो लेवल लैंग्वेज टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट। इट मीन्स कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं सकता या उसको आंसरिंग करने में प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो तो उसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर के ज़रिए। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर पास्कल, बेसिक, लोगो, फोर्ट्रान, जावा, HTML, सी, C++, एक्सेट्रा। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ आई होप यू विल बी डू वेरी वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग दिस चैप्टर एंड देन अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज। ऑन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर 2।